सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साह संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साह संगत जी, सच्चे पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज आगरे तो चल के दिल्ली पहुँचे ते दिल्ली दे दरबार विच औरंगजेब ने यह हुक्म किया कि पातशाह नूं भूतां वाली हवेली विच भेज दिओ। फिर गुरु जी दिल्ली विच उस घर विच रहे जिस घर विच दैंत रहिंदा सी। जिहड़ा भी मनुख हठ करके उस घर विच रहिंदा सी उसनूं दैंत डरा के मार दिंदा सी। सारे नगर विच इह रौला पिया सी। लोग कहिंदे सन कोई भी मनुख उस हवेली दे दरवाजे विच दाखल नहीं हुंदा। सारे मनुख डरदे बाहर रहिंदे हन। दिन समय भी प्रगट रूप विच नेड़े नहीं सी जांदे। रात नूं उत्थे कौन ठहर सकदा सी। ओह ऐसा भयानक घर सी। तुरक बादशाह दी आग्या नाल गुरु जी ने उस स्थान विखे उतारा कीता। उहनां दे चारे पासे चौकीदार बिठाए सन। जिहड़े सेवक गुरु जी दे नाल सन उहनां दा बाहर उतारा करवा दिता। मुलाणे कहिंदे सन सब हिंदुआं दे पीर कहाउंदे हन, हुण इहनां नूं दैत मार देवेगा, इह बच के नहीं निकल सकदे, जां डर के इह मुस्लिम दीन विच आ जाणगे, फिर सारे मनुख तुरक हो जाणगे। किसे यतन तो बगैर ही इह विधि हो गई है। जे मर जाणगे तद सब लोग बहुत डर जाणगे। नौरंगा अपने उमराव नूं कहिंदा सी आपने भला उपाव किया है, मारन तो बगैर ही हिंदू मर जाणगे, नहीं तां डर के तुरक बन जाणगे। जद इह दीन विच आ जाणगे तद सारयां दा अड़िका इक्के वार खत्म हो जाएगा। इह हिंदुआं दे गुरु कहाउंदे हन, इहनां दे पिछे लगण नूं सारयां दा मन चाहेगा, भाव सारे चाह के तुरक बन जाणगे। मूर्ख आपस विच मिल के कहिंदे सन श्री गुरु जी की कर रहे हैं। दुष्ट उमराव ये जानते नहीं सन कि गुरु जी अपनी दित्ती वस्तु भाव पातशाही वापस लै रहे हैं ते तुरकां दा पूरी तरह नाश कर देंगे। चारे पासे चौकीदार खड़े सन। गुरु जी उस घर के अंदर रहन लगे। जद हनेरा छा गया तो प्रकाश खत्म हो गया तो भयानक शरीर वाला प्रेत आया। हाथ जोड़ के उसने चरण कमलों ते वंदना कीती ते दीन हो के मुख तो बेनती कीती, प्रभु जी तुहाडा इत्थे वासा होया है, मैं धन हो गया हाँ कि तुसी मैनू दर्शन दिते हैं। मैनू हुण कोई वड्डा हुक्म सुनाओ, मैनू अपना सेवक जाणो, मेरे विच जल नूं छूण दी शक्ति नहीं है, जो जाके तुहाडे पास भोजन लियावां तां मेरे हाथ दा भोजन खाओगे कि नहीं लवोगे, होर मैं हर प्रकार सेवा करांगा, जिमें भी कह दोगे। इत्थे जिहड़े दुष्ट तुहाडे दोखी हन जिस बारे भी कहो मैं उसनू मार देंगा, फड़ के नगर तो दूर भजा देंगा, कोई जान नहीं सकेगा, जिथे पहुँचा देंगा, उन्हां दे पुत्रां आदि नू खत्म करके उन्हां दे घर दियां जड़ां पुट देंगा। मैं आप जी दी आग्या अनुसार हाँ, ये मैं सारा कार्य कर सकदा हाँ। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा असी किसे नू भी अपना दोखी नहीं जाणिया है, किसे नू मारना भी नहीं बनता है, सारे जीव अपने भागां सहित हन, भाव सब ने आपो अपने भाग लैने हन। परमात्मा सब किसे नू दुख सुख दिंदा है, यह दुख सुख देण दा दोष होर किसे विच नहीं है, भाव अपने कर्म परमात्मा दी रजा विच मिलदे हन। ज्ञानी मूर्ख राजा अते प्रजा सारयां दे सिरां उत्ते काल दा डंका वज रहा है। जिहड़े शुभ अशुभ कर्म करदे हन जद बंदे दा अंत हुंदा है तां उह नाल ही चले जांदे हन। करन कारण केवल एक करतार है, उसदे अगे जीव विचारा की है, उह ही सब नूं मारदा अते रखदा है, इस करके चुप धार के ही रहना चाहीदा है। यह सुन के प्रेत विचारन लगा श्री गुरु जी का वासा मेरे पास होया है, इन्हां दी कोई सेवा करदा हाँ मेरे जीवन का फिर कल्याण होवेगा। तुरंत प्रेत अंतर ध्यान हो गया, उत्थे पहुँच गया
जिथे विशाल बाजार सी लभदा फिरदा विचार कर रहा सी उन्हां वास्ते कोई पदार्थ लैंदा हाँ जिहड़ा पदार्थ वह मेरे हाथों खा लैण जिस विच वह किसी प्रकार का दूषण धारण ना करन अनेक प्रकार के भोजन तैयार करके रखे हैं पर मेरे हाथों वह अजिहे भोजन नहीं छकणगे नहीं तो जिहड़ी मठियाई बनी पई है वह हलवाइयां दीयां दुकानां उत्ते बहुत प्रकार की पई है मैं लैके उन्हां पास पहुँचा देंगा तो आसानी नाल छक लैणगे ते अपनी प्रसन्नता मेरे उत्ते धारण करनगे होर वस्तु केड़ी लवां जिहड़ी गुरु जी चित विच आ के छक लैण सारे बाजार विच उह लभदा रहा एक दुकान ते आके खड़ा हो गया उस दुकान उत्ते वलैत दे मेवे सन भिन्न भिन्न प्रकार के मिठे फलां नूं वेख्या संधूरी अते सुनहरी सेब नाशपातियां पिस्ते रसदार आलूचे पए सन संगतरे अनार जिहड़े शुभ दाणे नाल भरे सन ते कई प्रकार के फल रसां सहित सन उन्हां नूं वेख के प्रेत ने विचार कीती इन्हां नूं लै के चलदा हाँ ताँ कि उह छक लैण ये फल मेरे हाथ तों पिटे नहीं जाणगे इस तों बगैर होर कोई विधि नहीं है गुरु जी वास्ते उच्चे तहार समझ के अंदाजे दे फल जिहड़े कई प्रकार दे सन मन नूं जिहड़े चंगे लगे वह चुक ले फिर गन्ने हाथ विच लै ले ते बड़ी काली नाल गुरु जी वल आ गया ते गुरु जी दे अगे सारे मेवे धर दिते ते बहुत दीन बन के बेनती कीती यह मेवे अंगीकार करो मैं सेवा करके कल्याण दा पात्र बन जावां हुण मेरे पिछले भाग जागे हन इत्थे तुहानूं इकल्यां नूं वेख्या है फिर तुसी मेरे मेहमान हो प्रौणाचारी करना मेरा फर्ज है क्योंकि पहला मैं ही इस घर विच वसदा आ रहा हाँ तुहाडा अज आउणा होया है मैं अपने वड्डे भाग जाण के सेवा विच लगा हाँ इस प्रकार प्रेत की बेनती सुन के श्री सतगुरु जी ने उसनों किरपा दृष्टि नाल वेख्या ते दीन जाण के उसदे फलां नूं अंगीकार कर लिया मेवे खाण वास्ते अपने हाथ विच फड़े खाण दी जिन्नी रुचि सी उन्ने मेवे छक ले जिहड़ा खिल रहा पिया सी ओह उत्थे ही पिया रहा फिर गन्ने नूं चूसण लगे कुछ छिल्लां अपने अगे सुटदे सन कुछ छिल्लां हवेली तो बाहर सुट दिंदे सन सामने प्रेत गुरु जी दे दर्शन कर रहा सी ते मन विच बहुत ही प्रसन्न हो रहा सी हिरदे विच सोच रहा सी मेरे पापां दा हुण नाश हो जाएगा श्री गुरु तेग बहादुर जी फिर उसनों किरपा दृष्टि नाल वेख के बोले कोई तू वड्डा कुकर्म कीता है जिस करके यह प्रेत जून वाला शरीर पाया है यह सुन के प्रेत ने हाथ जोड़ के कहा जिस कुकर्म तो ऐसा तन पाया है वह इस तरह है शरीकां नाल मेरा वड्डा झगड़ा हो गया उन्होंने मेरी सारी जदी जायदाद ते कब्जा कर लिया फिर मैं झूठा धर्म करके सारे दे मन विच भरम प्रगट कर दिता झगड़ा तो मैं सारा जित गया इसका मैनू कोई भी पाप नहीं लगेगा ये मैं हिरदे विच विचारदा सी उसे दोष करके मैं ऐसा हो गया हाँ जिस जून विच मैं बहुत दुख पाया है जे आप जी मेरे ते कृपा करो मेरा इस जून तो छुटकारा करवा दोगे तो मैनू बहुत सुख होवेगा यह सुन के गुरु जी ने मुख तो वचन किया यह जिहड़ियां छिल्लां मैं चूप के सुटियां हन इन्हां नूं प्रेम नाल चूप लवो जिहड़ी तू सेवा कीती है उसका फल लवो ते घोर प्रेत की जून तो छुटकारा पाओ यह सुन के प्रेत ने छिल्लां चूप लईयां ते कई प्रकार के स्वादी रस प्राप्त किए ते तुरंत सारे झगड़े छड़ के उत्तम आनंददायक मुक्ति प्राप्त की फिर सतगुरु जी ने सुख पाया ते नैण बंद करके सौ गए हिंदू धर्म नूं रखण कारण अपने उत्ते भयानक किरिया नूं वरतौण लगे हन अपने नाम नूं सच्चा विखाउण वास्ते धर्म बचाउण वास्ते ऐसी बहादुरी कीती जिस प्रकार इस दुनिया उत्ते कोई भी नहीं कर सकदा है केवल गुरु जी आप ही अजिही सूरमताई कर सकदे हन। सो साह संगत जी इत्थे 12वीं रास दा 46वां अध्याय समाप्त हुंदा है जी प्रसंग सुनाउंदे होए होईयां अनेक भुलां चुकां दी खिमा बख्शणी जी दास नूं आग्या दिओ वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।